पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां भारत इस हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ आ खड़े हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस आतंकी हमले पर एनएसए अजीत डोवल से बात भी की है। फोन पर हुई इस बातचीत में जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका आतंकियों के खात्मे के लिए भारत के साथ है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से दो बार बातचीत हुई है। मैंने डोवल से कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार पूरे तरीके से सुरक्षित है। हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। हम पाकिस्तान के साथ भी बात कर रहे हैं। पुलवामा हमले के अपराधियों और समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए सभी आतंकी गुटों को मदद और पनाह देना तत्काल बंद करने को कहा था। साथ ही पुलवामा आतंकी हमले के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने भी बयान जारी किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी जमीन से संचालित सभी आतंकी गुटों को मदद और पनाह देना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि क्षेत्र में हिंसा और आतंक का बीज बोना ही आतंकियों का लक्ष्य है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी पाकिस्तान को लताड़ा है। पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान को अपने देश के अंदर आतंकियों को पनाह देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हम आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने आतंकियों को संरक्षण देना तुरंत बंद करना चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की करीब 48 देशों ने कड़ी निंदा की है और साथ ही इन देशों ने आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ देने की बात कही है। गौरतलब है कि पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की पनाह में पल रहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी।